अरट के कुल मुखियों और वाहिक प्रदेश के विभिन्न गणराज्यों से आए गणमुखियों का मैं स्वागत करता हूं। आज वाहिक प्रदेश के अधिकांश जनपद यवनों की दासता से मुक्त हो चुके हैं और शीघ्र ही अन्य जनपद भी यवनों की दासता से मुक्त होंगे। अरट जनपद ने अपने प्रशासन का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर डाला है, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार भी किया है। परंतु वास्तव में जनपदों को शासकों की अपेक्षा एक प्रणाली की आवश्यकता है, एक ऐसी प्रणाली जो जनपदीय राजनीति की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र को एक परिवार, एक जनपद के रूप में देखे, क्योंकि जनपद राष्ट्र का उसी प्रकार अविभाज्य अंग होता है। तो विभिन्न जनपद अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत क्यों हैं आपस में? क्या अपने परिवार के किसी पीड़ित सदस्य को देखकर आप पीड़ित नहीं होते? क्या अपने परिवार के किसी अभावग्रस्त सदस्य के अभाव को पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं करते? अपने परिवार के किसी सदस्य के सुख दुख में आप तटस्थ कैसे रह सकते हैं? समाज के लिए व्यक्ति का त्याग हमारी परंपरा है। किस लिए शिव ने विषपान किया था? किस लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान किया था? तो आज समाज के लिए व्यक्ति और राष्ट्र के लिए समाज त्याग करने के लिए तत्पर क्यों नहीं है? क्यों एक समाज को आभास होता है कि वो दूसरे समाज का विनाश करके ही विकसित और पल्लवित हो सकता है? क्यों एक जनपद को ऐसा भ्रम है कि दूसरे जनपद का उत्कर्ष उसके विकास में बाधक है? क्यों व्यक्ति को ऐसा आभास होता है कि वो जीवन के लिए दूसरे व्यक्ति से संघर्षरत है? क्या बीज पर्ण से संघर्षरत है? क्या जड़ें उस पर खड़े वृक्ष से संघर्षरत हैं? तो हम संघर्षरत क्यों हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि पर्ण, पुष्प, तना, शाखा, जड़ सब में बीज का ही रूप विद्यमान है, पर फिर भी बीज दिखाई नहीं देता, हमारी राष्ट्रीयता भी दिखाई नहीं देती, पर वो प्रत्येक भारतीय में विद्यमान है। यदि अपने बीज को ढूंढोगे तो तुम्हें अपनी राष्ट्रीयता का आभास होगा, और यदि राष्ट्रीयता का वो बीज हमारे भीतर है तो मैं तुमसे भिन्न कैसे हुआ? तो क्या आवश्यकता थी हमें यवनों से लड़ने की, जबकि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर जीने का जितना अधिकार हमें है उतना अधिकार उन्हें भी है? पर फिर भी हमने यवनों के शासन को अस्वीकार कर दिया, क्यों? मैं तुमसे पूछता हूं युवक। क्योंकि मुझे स्वतंत्रता प्रिय है। हमने यवनों का विरोध किया क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्रिय है, पर क्या अर्थ है इस स्वतंत्रता का? क्या स्वतंत्रता का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति अथवा शासन की पराधीनता से मुक्ति है? क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छा है? क्या व्यक्ति को समाज के बंधन स्वीकार नहीं करने पड़ते? क्या समाज को राष्ट्र के बंधन स्वीकार नहीं करने पड़ते? तो व्यक्ति को समाज और समाज को राष्ट्र के बंधन स्वीकार करने के पश्चात भी क्यों ऐसा लगता है कि वो स्वतंत्र है? क्या है वो स्व का बोध जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में सामान्य है? क्या है वो तंत्र जिससे बंधने के पश्चात भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को स्वतंत्रता का बोध होता है? किसने निर्माण किया है वो तंत्र जिसे आप सभी स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं? क्या देती है वो स्वतंत्रता जिसके लिए व्यक्ति स्वयं का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो जाता है? क्या है वो तंत्र जिसे हम स्वतंत्र कहते हैं?
क्यों हम स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं और यवनों की उस परतंत्रता को स्वीकार नहीं करना चाहते? इस स्व और पर में क्या अंतर है? क्यों हम यवनों के उस तंत्र को स्वीकार नहीं कर पाए? क्योंकि हमारी उस तंत्र में आस्था है जिसका निर्माण हमारे तत्व चिंतकों और मनीषियों ने किया है, क्योंकि हमें उन जीवन मूल्यों में आस्था है जिनका निर्माण हमारे स्वजनों ने किया, और समष्टि के कल्याण के चिंतन की वो थाती विरासत में हमारे हाथों आती गई जिनका निर्वाह हमारी पूर्व पीढ़ियों ने किया। शाश्वत सत्य और ज्ञान के प्रकाश में जीवन के जिन मूल्यों का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया वो हमारा स्वतंत्र है। उन्हीं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के प्रकाश में हम अपनी सामाजिक व्यवस्था की प्रणाली निश्चित करते आए हैं। हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का आधार हमारे अपने पूर्वजों का तंत्र ही हो सकता है, इसीलिए हम स्वतंत्रता के आग्रही हैं। परंतु क्या वो प्रणाली, क्या वो पद्धति, क्या वो स्वतंत्रता मालव और क्षुद्रक के लिए भिन्न है? क्या केकय व पांचाल के लिए भिन्न है? क्या श्रेष्ठ मूल्यों की उपासना भिन्न भिन्न जनपदों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है? जिन सामाजिक मूल्यों की स्थापना हमारे अपने पूर्वजों ने की हो वो भिन्न भिन्न जनपदों के लिए भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है? परंतु हम उस बीज को नहीं देख पा रहे हैं जो वृक्ष के सभी अंगों में विद्यमान है। हम संस्कृति के उस प्रवाह को नहीं देख पा रहे हैं जो प्रत्येक जनपद के जीवन में अनुप्राणित हो रही है। जनपद उसी विशाल वृक्ष की शाखाएं हैं, परंतु हमारा बीज एक ही है। हम अपनी जड़ों को नहीं देख पा रहे हैं और बाहरी भिन्नता को देख एक दूसरे में व्याप्त एकात्मता को नकार रहे हैं, अनेकता में एकता को नहीं देख पा रहे हैं, या उसे जानबूझकर नकार रहे हैं क्योंकि उसमें राजनीतिक स्वार्थ निहित है। मैं जानता हूं कि कुछ जनपदों की राजनीतिक व्यवस्था में भिन्नता है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति की पूरक हो सकती है, संस्कृति का पर्याय नहीं। संस्कृति का प्रवाह व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को समुत्कर्ष का मार्ग प्रदर्शित करता है, तो राजनीति का दायित्व भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का उत्कर्ष ही है। तो क्यों व्यक्ति व्यवस्था के नाम पर संघर्ष करता है? संभवतः इसलिए कि वो व्यक्ति और समाज में समस्त को नहीं देख पाता, अथवा इसलिए कि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और इसी व्यक्तिगत स्वार्थ और एकात्मता के भाव के अभाव ने हमें यवनों के समक्ष अपना स्वाभिमान समर्पित करने के लिए विवश कर दिया था। यवनों ने भिन्न भिन्न जनपदों की आस्थाओं के भेद को नहीं देखा था। आक्रांताओं ने सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया था। दुर्भाग्य ही था कि समस्त जनपदों ने सम्मिलित होकर यवनों के आक्रमण का प्रतिकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव था। यदि समस्त जनपदों ने राष्ट्र के रूप में संगठित होकर यवनों का प्रतिकार किया होता तो क्या यवनों के लिए इस धरा पर विजय पाना संभव था? यदि सिंधु की रक्षा का दायित्व समस्त जनपदों ने लिया होता तो क्या यवनों के लिए सिंधु को पार कर पाना संभव था? पर कट, मद्रक, क्षुद्रक और मालव गणराज्यों के योद्धाओं को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके प्रदेशों की सीमाओं का द्वार भी तक्षशिला है। जहां तक हमारी संस्कृति का विस्तार है वहां तक हमारी सीमाएं हैं। हिमालय से समुद्र पर्यंत तक की भूमि हमारी अपनी भूमि है, हमारा अपना राष्ट्र है, और यदि इस राष्ट्र की रक्षा हम नहीं करेंगे तो इस राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? यदि हमने अब भी संगठित होकर राष्ट्र के रूप में अपना परिचय नहीं दिया तो आक्रांताओं का पुनरागमन हो सकता है और इतिहास की पुनरावृत्ति। यदि हम अभी भी संगठित नहीं हुए तो आक्रांताओं का मार्ग प्रशस्त है। आवश्यकता है हमें एक छत्र के नीचे एकत्र होने की, ताकि ये राष्ट्र सुदृढ़ सक्षम हो, शक्तिशाली हो, गौरवशाली हो, और हम अमृत के अमृत पुत्र कह सकें के प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो। माँ भारती की जय। माँ भारती की जय। माँ भारती की जय।